नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सिमडेगा के बेसरा जारा में मॉब लिंचिंग के शिकार संजू प्रधान के परिजनों से मिलकर घटना की जानकारी ली। इस दौरान पीड़ित परिवार को पार्टी की ओर से 1,00,000 का चेक सौंपा गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हेमंत सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में सूबे में मॉब लिंचिंग की 11 घटनाएं घटी हैं। इन घटनाओं में 6 लोगों की हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार और कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। बेसरा जारा में जब एक दलित पर इतना बड़ा अत्याचार हुआ है तो कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी खामोश क्यों हैं? इधर रांची में बीजेपी दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि राज्य में जब तक हेमंत सरकार है तब तक अमन चैन कायम नहीं हो सकता। सिमडेगा मॉब लिंचिंग पर उन्होंने कहा कि इस मामले में अब तक जो कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है उससे यही लगता है कि पुलिस पूरे मामले को रफा दफा करने में जुटी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सिमडेगा की वारदात को अलग रूप देने की कोशिश की गई है जिसमें लकड़ी विवाद को कारण बताया जा रहा है जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि परिजनों से बातचीत में पता चला है कि संजू प्रधान के घर के सामने हाट लगाई जाती है जिसमें प्रतिबंधित मांस बेचा जाता है जिसका संजू प्रधान विरोध किया करते थे। इसी को लेकर उसकी हत्या की साजिश रची गई और पुलिस के सामने ही उसे मौत के घाट उतार दिया गया। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।